छात्रों आदि ये दो सौ इलेक्ट्रिकल सर्किट थोरी के चैप्टर फर्स्ट नेटवर्क पैरामीटर्स के टॉपिक सोर्स कन्वर्जन टेक्निक्स का अध्ययन करेंगे सोर्स कन्वर्जन और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन दोनों का अर्थ सेम ही है अर्थात वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में परिवर्तित करना या करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में परिवर्तित करना इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन या सोर्स कन्वर्जन कहते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन सिंपली मीन्स रिप्लेसिंग वन सोर्स बाय एन इक्वेलेंट सोर्स सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ ये है कि एक सोर्स को दूसरे इक्वलेंट से रिप्लेस करना अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कैन बी ट्रांसफॉर्म इंटू एन प्रैक्टिकल सोर्स एंड सिमिलरली अ प्रैक्टिकल सोर्स इंटू वोल्टेज सोर्स एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को इक्वेलेंट प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है इसी तरह प्रैक्टिकल करंट सोर्स को प्रैक्टिकल करंट सोर्स को इक्वेलेंट प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में परिवर्तित किया जा सकता है द टू सोर्सेज आर सेड टू बी एक्वेलेंट इफ दे आर इफ दे सप्लाई इक्वल लॉड करंट टू द लॉड विद सेम लॉड कनेक्टेड अक्रॉस इट्स टर्मिनल दो वोल्टेज सोर्स इक्वलेंट या तुल्ले जब होंगे जब वे आ, समान लोड को समान करंट सप्लाई करें कन्वर्जन ऑफ वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को प्रैक्टिकल करंट सोर्स में परिवर्तित कैसे किया जाता है ये इस डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के वोल्टता वी एस हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और इन दो टर्मिनल के मध्य इस सोर्स को कन्वर्ट करना है तो करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए करंट के समांतर में करंट सोर्स के समांतर में रेजिस्टेंस लगाया जाता है और उस करंट का मान होगा वी एस अपन आर इसी तरह कन्वर्जन ऑफ करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स इक्वेलेंट करंट सो करंट सोर्स को इक्वेलेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू में परिवर्तन नहीं होता है जब भी कन्वर्जन होता है रेजिस्टेंस सेम रहता है तो यहाँ करंट सोर्स हैं प्रेटिकल करंट सोर्स और उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है तो वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज के समांतर में ये yes, वोल्टेज के श्रेणी में प्रतिरोध आर आ जाता है और उसकी वोल्टता वी एस इक्वल टू होगा आई एस इंटू आर इसको कन्वर्जन को आप एग्जाम्पल के से समझ सकते हैं जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज सोर्स ऑफ ट्वेंटी विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फाइव ओम टू अ करंट सोर्स ये वोल्टेज सोर्स है बीस वोल्ट का इसके श्रेणी में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है फाइव ओम इसको कन्वर्ट करना है यू कैलेंट करंट सोर्स तो सर्वप्रथम तो आप डायग्राम बनाएंगे करंट सोर्स के समांतर में रेजिस्टेंस जोड़ देंगे जिन टर्मिनल के मध्य कन्वर्जन करना है अब आई की वैल्यू निकालना है तो आई टू होगा वी एस अपॉन आर अर्थात वी अपॉन आर या वी ट्वेंटी है और आर फाइव है तो ट्वेंटी में फाइव का फाइव से डिवाइड करेंगे तो फोर एम पेयर आएगा इसी तरह एग्जाम्पल टू हैं कन्वर्ट इनटू वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स दिया हुआ है इसको इक्वल एंड टू वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है अर्थात करंट सोर्स के समांतर में रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स है इसको प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है तो डायग्राम डाइग्रामना है वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में रेजिस्टेंस अब आप यहाँ ध्यान रखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि जो एरो हैं वो किस डायरेक्शन में है यहाँ देखेंगे आप दस एम्पेर एरो ऊपर की तरफ हैं तो पोलिटी इसकी जहाँ एरो हैं वहाँ पर पॉजिटिव लेंगे जैसे कि यहाँ इस वोल्टेज सोर्स में दिखाया गया पॉजिटिव पर ये रोग के डायरेक्ट ऊपर हैं तो पॉजिटिव ऊपर होगा और नेगेटिव नीचे होगा तो वोल्टेज का मान हो जाएगा आई टू आर तो आई टेन एम है आर फाइव ओम है तो वी टू हो जाएगा आई टू आर टेन टू फाइव इक्वल टू फिफ्टी वोल्ट यहाँ फिफ्टी वोल्ट आ जाएगा और रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइव ओम वैसे ही उसके सीरीज में जोड़ देंगे द पोल्टी आर पॉजिटिव एट टॉप एंड नेगेटिव एट बॉटम ऑफ द एरो ये ध्यान रखना है कि जब वोल्टेज करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है तो पॉलिटी एरो के ऊपर पॉजिटिव रहेगी और एरो के नीचे नेगेटिव रहेगी इसी तरह यहाँ पर ध्यान रखना था आपको वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में कन्वर्ट करते समय यहाँ वोल्टेज सोर्स हैं तो एरो की डायरेक्शन जब करंट सोर्स में शो करेंगे वह नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर प्रदर्शित करेंगे नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज ये कन्वर्जन ये तो सिंगल वोल्टेज और करंट सोर्स था उसको कन्वर्जन किया लेकिन जो सर्किट होता है उसमें कई सारे सोर्सेज होते हैं तो उस स्थिति में कैसे इक्वलेंट उनका कॉम्बिनेशन किस प्रकार करेंगे इन नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ मैनी सोर्स सोर्सेज सीरीज एंड पेलर कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज एग्जिस्ट नेटवर्क में नेट सोर्सेज uh, का सीरीज कॉम्बिनेशन भी हो सकता है पेलर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है इफ सच कॉम्बिनेशन आर रिप्लेस बाई इक्लेंट सोर्स देन द नेटवर्क सिम्प्लीफिकेशन बिकम मच मोर ईजी यदि इनका कॉम्बिनेशन करके इक्वलेंट सोर्सेज रिप्लेस कर दें तो सर्किट सिंप्लीफाइड हो जाता है तो हम जैसे कि यहाँ वोल्टेज सोर्स इन सीरीज इफ़ टू वोल्टेज सोर्सेज आर इन सीरीज देन द इक्वलेंट इज डिपेंडेंट ऑन द पोलरिटी ऑफ द टू सोर्सेज यदि टू सोर्सेज सीरीज में जुड़े हुए हैं श्रेणी में जुड़े हुए हैं तो जो इक्वलेंट सोर्स होगा वह उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी उनकी पोलरिटी पे यदि सेम पोलिटी है वी वन वी टू हैं, हैं यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव दोनों की सेम पोलरिटी हैं नेगेटिव नीचे के और हैं दोनों सोर्सेज में और सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उस स्थिति में जो इक्वलेंट वोल्टेज सोर्स होगा उसकी वैल्यू होगी वी वन प्लस वी टू यदि पोलरिटी विपरीत है नेगेटिव यहाँ पर तो ऊपर वाले सोर्स में तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ भी सेम पॉलरिटी है लेकिन विपरीत डायरेक्शन में तो यहाँ भी योग हो जाएगा V1 वन प्लस वी टू नेगेटिव ऊपर हैं दोनों सोर्सेज में पॉजिटिव नीचे उस स्थिति में इक्वलेंट सोर्स जो होगा उसकी पॉलिटी ऊपर नेगेटिव होगी नीचे पॉजिटिव होगी इफ़ द पॉलरिटीज ऑफ द टू सोर्सेज आर सेम देन द इक्वलेंट सिंगल सोर्स इज टू बी एडिशन ऑफ द टू सोर्सेज विच पॉलर्टी सेम ए डेट ऑफ द टू सोर्सेज जो यदि पॉलर्टी दोनों सेम है, उस स्थिति में उनकी जो इक्वलेंट सोर्स की पॉलर्टी है आगे वह उनकी पॉलिटी जैसी ही होगी अब यदि पॉलिटी विपरीत हैं आ, ये फिगर ये में देखेंगे आप तो V1 की प्लिटी पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव इसी तरह V2 में ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है तो जो इक्वलेंट सोर्स आएगा उसकी वैल्यू आएगी V1 वन माइनस वी यह हमने मान लिया कि V1 की वैल्यू V2 से ज़्यादा है यदि V2 की ज़्यादा होती तो उस स्थिति में V2 टू माइनस वी, वी हो जाता तो यह वी वन ज़्यादा है तो वी वन की जो पॉलर्टी है वही इक्वलेंट की इक्वलेंट वोल्टेज सोर्स की पॉलरिटी होगी इसी तरह डायग्राम बी में देखेंगे आप वी वन की पॉलर्टी पॉजिटिव है ऊपर और नीचे नेगेटिव है इसी तरह वी टू के ऊपर पॉजिटिव पॉलर्टी नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है यहाँ हमने मान लिया कि वी टू की वी टू की वैल्यू है वी वन से अधिक है उसी स्थिति में इक्वलेंट वोल्टेज सोर्स होगा V2 टू माइनस वी तो जो पोलरिटी आएगी विक्वलेंट की वह V2 की जैसी आएगी तो ऊपर नेगेटिव आएगा नीचे पॉजिटिव आएगा नेक्स्ट है वोल्टेज सोर्सेज इन पेलल वोल्टेज सोर्सेज इन पेल पेलल हैं तो दोनों पेलल जब ही होंगे जब उनकी वोल्टेज समान और वह उनका वोल्टेज किसी एक के वोल्टेज के बराबर होगा जैसे वी वन वी टू तो ये इक्वलेंट वोल्टेज सोर्स होगा तो उसकी वैल्यू वी वन या वी टू के बराबर होगी तो पेलर जब ही होंगे जब दोनों वोल्टेज सोर्स की वैल्यू सेम हो हैंस इफ द वोल्टेज सोर्स टू बी कनेक्टेड पेलर मस्ट हैव सेम वोल्टेज रेटिंग थो तो देयर करंट रेटिंग में भी सेम और डिफरेंट उनकी करंट रेटिंग डिफरेंट हो सकती हैं या समान हो सकते हैं लेकिन जो उनका वोल्टेज रेटिंग है वह समान होनी चाहिए जब भी वोल्टेज सोर्स को हम पैल में कनेक्ट कर सकते हैं इसी तरह करंट सोर्सेज इन सीरीज करंट सोर्सेज सीरीज हैं तो सीरीज में जब भी जुड़ेंगे जब दोनों की करंट वैल्यू समान हो द करंट थ्रो सीरीज सर्किट इज ऑलवेज सेम हैंस इट मस्ट बी नोटेड देर इज द करंट सोर्सेज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज मस्ट सेम करंट रेटिंग तो देर वोल्टेज़ रेटिंग में भी सेम और डिफरेंट इसी स्थिति में उनकी करंट रेटिंग सेम होगी लेकिन वोल्टेज़ रेटिंग डिफरेंट हो सकती हैं अर्थात इक्वल जो करंट की वैल्यू आएगी आई इक्वल टू आई होगी करंट सोर्सेज इन पेलर अब पैल में कनेक्टेड हैं यदि दोनों की जो पॉलर्टी है सेम है जैसे क्या एरो दिखाया गया है ऊपर दिखाया गया है तो दोनों की पॉलर्टी सेम है तो यहाँ आई वन प्लस आई टो होगा जो इक्वलेंट करंट सोर्स की वैल्यू आएगी आई वन प्लस आइट और पॉलर्टी ऊपर की ओर आएगी इसी तरह सेकेंड बी डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है आई वन की पॉलर्टी नीचे है और आई की पॉलर्टी भी नीचे हैं तो इसमें भी दोनों पोलटिश में इसलिए यूकुलेंट जो करंट सोर्स आएगा उसकी वैल्यू का एड होगा अर्थात आई वन प्लस आई टू होगी यदि ये विपरीत होती पोल्टी विपरीत होती तो आई वन माइनस आई टू होती यदि पोलटी इनकी डिफरेंट होती एक ऊपर होती एक नीचे होती उस स्थिति में इनकी जो इक्वलेंट सोर्स की वैल्यू होती उसी स्थिति में आई वन माइनस आई टू होती तो मुझे आशा है कि आपको एक सोर्स कन्वर्जन टेक्निक समझ में आई होगी यदि आपको कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं थैंक यू